दो दिन से वाईफाई परेशान कर रहा है, इसलिए आपकी वीडियो भी नहीं डाल पाए हम कल, आज हम जरूर डाल देंगे। हेलिना की तरफ से फरियाद, हाइड्रो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम फ्रांसियम। हेलिना की रब से फरियाद या हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। संडे को दिन आइए पूरा मूड बना के, प्योरिटी वाला आपको याद कराते हैं संडे को ट्रिक वाइज। चलिए लिख लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा हमारे यहाँ एक एक चीज़ और चलती है, महीने में एक आध दिन बच्चे भी पढ़ाते हैं, तो रेडी हो बच्चों आप लोग? हाँ अरे वीडियो पढ़ी हुई है देख लेना, आपकी सिस्टर ने पढ़ाया है, वीडियो पढ़ी हुई है बहुत सारे, तो महीना होगा जब तो फिर पढ़ाना ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, कहीं भी दिक्कत हो कभी भी फ़ोन करके परेशान कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना परेशान हमें कर सकते हो, लेकिन जब पढ़ाने आए तो चाहे आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएं लेकिन उसको वैसे ही पढ़ाएं जैसे हमने आपको समझाया है, अच्छे से पढ़ाएं कुल मिला के समझ में आ जाए ऐसे ठीक है। तो अभी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो महीना में एक ही दिन हुआ ना, तो महीने में काफ़ी दिन है, आ जाओगे आप लोग ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन बोलो जीनत, अच्छा चलो भाई फिजिकल लिख लो, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? हमने बताए थे ना फिजिक्स की अगर हम बात कर ले तो फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्टडी करती है एनर्जी एंड मैटर पे, तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला अगर नहीं होता तो शायद फिजिक्स नहीं होती आज। एनर्जी और मैटर का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज आइंस्टीन इक्वेशन। ये आइंस्टीन का इक्वेशन है जो मास एंड एनर्जी में बहुत अच्छा रिलेशन बताता है। क्या कहता है ये इक्वेशन? कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, मतलब लाइट कितनी गति से चलती है, जो सन से हमारे यहाँ लाइट आ रही है ना उसकी स्पीड पता है कितनी है आप लोगों को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, इन लाइट की भी स्पीड यही है 3 × 10⁸ मीटर। यहाँ एनर्जी और एम सी उसके लिए कौन सा इक्वेशन है? आइंस्टीन इक्वेशन है। एक और एनर्जी का रिलेशन है बहुत अच्छा, बता सकते हो कौन सा? प्लैंक इक्वेशन। दो ही एनर्जी के सबसे बेस्ट इक्वेशन हैं, एक आइंस्टीन इक्वेशन और एक प्लैंक इक्वेशन, इक्वल एच न्यू। कोई फोटोन जानता है? फोटोन, फोटोन किसे कहते हैं? जो सनलाइट हमारे यहाँ आती है ना उसमें एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, उस न्यू न्यू भी को थोड़ा सा कर्व कर दो इन न्यू। ध्यान रखिएगा एक फोटोन में इतनी एनर्जी होती है। देखो बच्चों ये सब चीज़ें आपको अभी बहुत इनिशियली हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। सब का जन्म से लेके फिर जहाँ तक वो पहुँच गया वहाँ तक चलेंगे, लेकिन इनिशियली आपको ये दो इक्वेशन एनर्जी के पता होने चाहिए। ये फोटोन है, इसको क्वांटा भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा, और हम आपको मतलब बता दें फोटोन और क्वांटा का, तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन या क्वांटा कहलाते हैं। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन हैं एनर्जी के मास के साथ, और एनर्जी का आपका ये कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट, और ये फ्रिक्वेंसी होती है आपकी, ये सब बातें बताएंगे हम। दिस इज आइंस्टीन वन,
ये आइंस्टीन है और ये हमारा प्लैंक का है. दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन और दिस वन इज प्लैंक. अगर ये दो इक्वेशन नहीं होते, देखो ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे बोल रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों, अगर ये दो इक्वेशन नहीं होते तो हमारे ख्याल से आधी फिजिक्स नहीं होती. बहुत ही महान इक्वेशन है आइंस्टीन और प्लैंक और बहुत अच्छे, ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के हम ये भी कह सकते हैं ज्ञाता थे. बहुत ज़्यादा इनके फॉर्मूलों का यूज है फिजिक्स में, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी, तो उसको भी चलेंगे. ये तो हो गई मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. कुछ और ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, उनको और हम लिख लेते हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम लिखेंगे और जान उनको स्टडी नहीं करेंगे. देखिए जैसे कि some other branches of chemistry, chemistry are as followings. कुछ और branches है chemistry की, सिर्फ इनके नाम लिखे, बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, लिखते रहें तो 10-15 मिनट तक लिखते रहेंगे, है ना. नाम लिख लेते हैं, तीन तो आपको पता ही होनी चाहिए, ऑर्गेनिक, फिजिक, है ना. इसके अलावा बहुत सी हैं, जैसे कि हम बात कर लें आपकी फोर्थ नंबर पे, तीन ऊपर ही हो गई थी, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री. क्या कृषि में भी केमिस्ट्री लगती है बच्चों? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, नैन्सी किसी में केमिस्ट्री लगती है? फर्टिलाइजर आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस जो ग्रोथ फॉर नीड फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स. पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अगर आज ना हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी फसल जो हम बनाएं उसको 50-60% पेस्ट और इंसेक्ट खा जाएं. उड़ने वाले कीड़े खिलाते हैं इंसेक्ट, रेंगने वाले खिलाते हैं पेस्ट. ये दो फर्क होते हैं. साइड का मतलब होता है हत्या या मृत्यु, होते हैं ना सुसाइड, स्वयं की हत्या. तो पेस्टिसाइड जो पेस्ट की हत्या कर दे, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट की हत्या कर दे, मतलब मर्डर कर दे उनका, ठीक है. तो एग्रीकल्चर लगती है भैया एग्रीकल्चर में. आजकल तुम लोग सिर्फ जब तुम लोग टमाटर खाए तो सिर्फ टमाटर नहीं खा रहे, उसके संगे कुछ केमिकल भी खा रहे हैं. तो अच्छे से थोड़ा बॉस वॉस करके खाया करो, काय को खाने हमें तो सीधे जाके उठाने. दुनिया की सबसे शुद्ध चीज कौन है? ऑन रिकॉर्ड बोलने वाले हैं हम, फुल्की. जब वो अपने हाथों को डाला थे पानी में, जो वो सीरा का स्वाद हो ना, जब आप कहे थोड़ा खट्टा और, तो वो खटाई नहीं डाला था, तो थोड़ा और हाथ घुमा दे. सबसे शुद्ध चीज़ है दुनिया की फुल्की, और आदमी उस शुद्ध चीज़ को खावे के लाने लाइन लगा था. यहाँ नहीं लगती हो, नहीं तो बाहर तो लगती है भैया लाइन, खाते हो आप लोग. जब कहते हैं अब आज का जब खट्टा कहना तो देख लेना, तो गारंटी है भाई, तो उसे खट्टा कह के देखना वो हाथ ना घुमा दे. अभी तो हमने तुम्हें सिर्फ फुल्की की ऊपर की हिस्ट्री बताई, जब वो बना थे. खाओ क्या है, अच्छी बात है. चलिए एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री. इसके अलावा देखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री यूज होती है, कि कॉस्मेटिक्स बनते हैं, सोप्स बनते हैं, आपके डाइट बनते हैं, ये सब क्या है, केमिकल ही तो है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इसके अलावा स्पेस में भी केमिस्ट्री लग रही है, तो स्पेस केमिस्ट्री. आपको पता है हमारे पास लिमिटेड, जब स्पेस में जाते हैं तो जो स्पेस जो आपका हम कहते हैं रॉकेट के साथ पर्टिकुलर, हम स्पेस में जो प्लैनेट्स भेजते हैं आपका सब प्लैनेट्स, उसमें एक लिमिटेड जगह होती है, उसमें फूड प्रोडक्ट रखने के लिए. फूड प्रोडक्ट नहीं ले जाते, वो कुछ ऐसी टेबलेट्स ले जाते हैं विटामिन की और प्रोटीन्स की जो सर्वाइव कर सकती है. अब आजकल ऐसे कैप्सूल ऐसे विटामिन बन गए हैं कि आप दो खाओ बस पूरे दिन का खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे आने लगे हैं आपको. आगे जाके यही होना है, जब तुम लोग थाली लेके बैठोगे तो एक टेबलेट
दो टेबलेट तीन टेबलेट पानी के साथ खाओ, खाना खत्म। ऐसे ये खाना मिलना तुम लोगों को, परेशान मत हो, आगे जाके यही लाइफ है। ऑक्सीजन तुम लोग यहाँ से ही लोगे, बोतल यहाँ लगाओगे रेस्पिरेशन होने वाला है भाई, जब पानी बेचने लगा तो वो भी बेचेगा। आपको नहीं पता कई ऐसी कंट्री तो नहीं, कई ऐसे स्पॉट हैं आपके जहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। ऑक्सीजन ऑलरेडी आपकी सेल होने लगी है, बिचने लगी है अभी से। देखो दुनिया कहाँ जाती है। तो स्पेस केमिस्ट्री, अब स्पेस में पानी भी ले जाना संभव नहीं है, तो स्पेस में कुछ वो ऐसा रिएक्शन करते हैं कि जो उनका फ्यूल बन रहा वही फ्यूल ख़त्म भी होता जाता है और उसी से पानी भी बनता जाता है। तो बहुत सारी रिएक्शन होती है स्पेस में भी। स्पेस केमिस्ट्री हो गया आपका, और देखें हम आपके, ये एक अच्छी केमिस्ट्री है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें आप लोग, ग्रीन केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं जो पॉल्यूशन ना प्रोड्यूस करे, इसको हम बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और यूजेज करते हैं जिससे हमारा पॉल्यूशन ना हो, वो ग्रीन केमिस्ट्री है। एक बहुत अच्छी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। CNG ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। 7th 8 नंबर का ग्रीन केमिस्ट्री में ही थोड़ी आगे चल जाए तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री की ब्रांच है। बच्चे आजकल लोग इनमें बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको आज से ही बता देते हैं आगे जाके सबसे ज़्यादा स्कोप आने वाला है ग्रीन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, बहुत स्कोप है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जिस तरीके से ये 2-3 सालों ने तबाही मचाई है, लोगों को समझ में आ गया कि सोना नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है। समझे हम क्या बोल रहे हैं? सोना नहीं, सोना चैन से सोना, वो वाला सोना लेके चैन नहीं मिला, तो आदमी को चैन से सोना बहुत ज़रूरी है और वो अब सो नहीं पा रहे चैन से लोग। तो आगे जाके ग्रीन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप लोग बच्चों अगर इस लाइन में जाओगे, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ग्रीन केमिस्ट्री, और मेडिसिनल का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आप देखिएगा क्रांति आने वाली है मेडिकल के क्षेत्र में। थोड़ा कोरोना का इफेक्ट कम होने दो, डॉक्टर्स की भर्ती सबसे ज़्यादा होंगी, आप देख लेना, डॉक्टर्स की जॉब की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आने वाली है। एक बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि एक युग आने वाला है 10 सालों का, जहाँ हमें ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री तीनों को चाहिए। और ख़ास करके मेडिकल लाइन तो बहुत तेज़ी से आगे, अब ये नहीं कह रहे कि दूसरी लाइन नहीं, फिर तो ये है कि अब विकास का दौर चल रहा है तो सभी लाइन का इंपॉर्टेंस है। इंजीनियर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इंजीनियर नहीं होते तो फिर ये ऑक्सीजन कैसे फिल होती आपकी, ये सब। लेकिन मेडिकल का तो बहुत बड़ा युग आने वाला है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके बाद देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एनर्जी केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, अपने मन से ही लिखवा रहे हैं। एनर्जी केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फॉसिल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, हमें बताया ना, लिखते जाएं तो हम 10-15 मिनट हो जाएंगे, लिखते ही रहेंगे हम। तो ये ऐसा नहीं है आप लोग को रटना है, हम आपको बता रहे हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया है। सॉइल केमिस्ट्री आपको पता है, आजकल सॉइल का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है और फिर उसको बताया जाता है कि आप इस सॉइल में कौन से सीड लगाइए, आपकी सॉइल में कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा बनेगा। तो सॉइल का ऑब्जर्वेशन होता है, सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स के अकॉर्डिंग उसको सलाह दी जाती है कि आप ये वाली फसल इसमें लगाइए। तो सॉइल केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंस है, सॉइल केमिस्ट्री, ठीक है। स्ट्रक्चरल लिखते देते हैं अब, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतनी केमिस्ट्री। चलिए 3 तो आपको पता रहेंगी ना, हम आपसे जब भी पूछेंगे तो हम 3 ही पूछेंगे, उन 3 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हमने एक लाइन, हमने कल जब की पॉइंट्स लिखे थे तो उसमें एक वर्ड लिखवाया था स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली में वो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री को ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता है, वहाँ हेडिंग वो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को ज़्यादा जस्टिफाई करता है। स्कोप कहाँ कहाँ पर है, इतनी सारी जो जगह लिखी ना हमने अभी भी, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस लिखी ना, ये सब स्कोप ही तो है केमिस्ट्री का,
मेडिकल लाइन में स्कोप है, एग्रीकल्चर लाइन में स्कोप है, आपके डेली यूजेज में केमिस्ट्री का, आप दिन भर में आप देख लें तो आप केमिस्ट्री से कितना डील करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से डील सबसे ज़्यादा करते हैं आप पूरे दिन में अगर हम बात कर लें। आप खाना खाते हैं, वहाँ भी एक केमिकल प्रोसेस लगती है आपकी, सोप्स यूज कर रहे हैं आप, कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर द केमिकल कंपाउंड, आप क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं, इनको फॉर्मेशन में, इनमें डाई करने में, इनमें रंग करने में, इन पे भी केमिस्ट्री लगी है आपकी। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें आपकी फिजिक्स भी लगी है और केमिस्ट्री भी लगी है, दोनों लगी, हालांकि मोर इसमें फिजिक्स है आपकी ज़्यादा। पहले इसमें केमिस्ट्री होती थी, जब फिल्म लगती थी, जब से मेमोरी कार्ड आ गया तब से फिजिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। पहले फ़ोटो में आपके, आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलती थी, क्या बोलते थे उसको, अभी नहीं आ रहा हमारे वर्ड, नहीं आ रहा उसको, आपने देखा होगा रील टाइप की मिलती थी, अब उसको क्या कहते हैं वो वर्ड हमारे दिमाग से निकल गया। फिर उससे फ़ोटो निकालना, वो वहाँ केमिकल प्रोसेस थी, वो क्लास ट्वेल्थ में है आपका फोटोग्राफी नाम का छोटा सा चैप्टर। तो ऐसी बहुत सी जगह है। अब हम केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे से यूजेज और लिख लेते हैं और ये स्कोप लिख लेते हैं और फिर आपके चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। ये सब चीज़ें जो हमने अभी लिखवाई है ये ज़्यादा आपके काम की वैसे तो नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर स्टार्ट करना था। जो स्टार्टिंग में हमने की पॉइंट्स लिखवाए थे वो ज़रूर याद कर लें, वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके काम का रहेगा, ठीक है। बाकी तो ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है आपके। और फिर इसके बाद असली चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, एक लास्ट टॉपिक और है जो ऐसा ही है आपका, उसका नेक्स्ट, ठीक है ना। तो डालिए हेडिंग स्कोप, स्कोप एंड यूजेज ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप एंड यूजेज ऑफ केमिस्ट्री, किस किस क्षेत्र में केमिस्ट्री का स्कोप है और कहाँ कहाँ ये आपकी यूज हो रही है, तो हमें केमिस्ट्री का स्कोप देखना है और उसके क्या देखने उपयोग। तो लिखिए इसमें, देयर आर मैनी फील्ड्स, देयर आर मैनी फील्ड्स वेयर नाउ अडेज केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड। फिर तो बताइए, Some important are as followings. कुछ important इस प्रकार हैं, some important are as followings। क्या हो गया जी, ना गर्मी, पानी, तो अभी हम ला देते हैं। इसीलिए जीनत थोड़ी देर से अनकंफर्टेबल दिख रही है, गर्मी है लगता है, थोड़ा सा रूम बंद भी है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट में लिखेंगे हम इसमें, इन मेडिकल फील्ड, इन मेडिकल फील्ड, इन मेडिकल फील्ड, आप लोग समझ ही गए होंगे मेडिकल फील्ड में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज होती है, टू प्रिवेंट एंड क्योर ऑफ डिसीजेज, डिसीजों जो डिसीज हैं आपकी बीमारियाँ हैं उनके रोकथाम में, या हो गई तो उनके इलाज में, पहली कोशिश की जाती है कि ना हो, दूसरी कोशिश की जाती है अगर हो गई है फिर उसकी रोक, फिर उसको क्योर किया जाए। लेकिन कुछ डिसीजेज हैं जिनको, जिनकी सिर्फ रोकथाम की जा सकती है, उनको कम्प्लीटली क्योर करना आज भी पॉसिबल नहीं है। लाइक एड्स, एड्स एक ऐसी डिसीज है
जिसके लिए WHO कह रहा है, जो HIV वायरस है जो रेस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, WHO कह रहा है कि इसकी वैक्सीन बनाने में लगभग 50 साल और लग जाएंगे, अभी लगभग 50 ईयर और अभी एड्स जो एच आई वी वायरस आपके इम्यून सिस्टम को किल करता है, और अगर किसी को एड्स हो जाता है वो अपना ध्यान रखता है तो 20-25 साल तक तो जी सकता है, लॉन्ग बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर सेकेंड जो HIV वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम को खा रहा है। आप जो इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं ना पूरे इन्वायरमेंट में, उसका एक ही रीज़न है कि आप जब दिन भर सर्वाइव करते हैं तो बहुत सारे आप पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को इनहेल कर जाते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है वो उसको तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आप देखते हो किसी को थोड़े से इन्वायरमेंट में सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, थोड़ा भीगा तो बीमार पड़ गया, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है, और बाकी जिसका स्ट्रांग होता है उनको इतनी जल्दी वो बीमारियाँ नहीं पड़ती। तो हमारे अंदर भगवान ने एक सेल्फ आपका इम्यून सिस्टम डाला है, तो हम आपको शुद्ध सिंपल बताएं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स WBC हमारी इम्यून सिस्टम है, WBC आर द इम्यून सिस्टम कहा जाता है उनको, हमारी बॉडी की सेना कहा जाता है उन्हें, वो लड़ती है तो HIV उसी को पूरा तरीके से जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किल करता है। कैंसर हालांकि अब क्योर किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, सब इसको सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आपके कैंसर हो गया है। इसके अलावा हम बात कर लें डायबिटीज़, एक ऐसी डिसीज़ है जिसको मेडिकल लाइन में अभी तक क्योर नहीं किया गया, ओनली कंट्रोल। आपने देखा है कहीं भी डायबिटीज़ का तक इलाज कंट्रोल की जा सकती है, और डायबिटीज अकेले नहीं आती, साथ में सबसे पहले आँख लाती है, आँखों में आपके धुंधलापन दिखना कम होता है, और वो भी इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से डील करती है। तो अब हमारी लाइफ है तो लाइफ में सर्वाइव तो करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मेडिकल फील्ड का यूज करते हैं, अगर किसी को बीमार हो जाए बहुत सारी मेडिसिन से आपके हम कुछ इम्पोर्टेंट सीधे लिखेंगे, डाइट में सेंटेंस नहीं बढ़ाएंगे, तो इन मेडिकल फील्ड में जैसे कि हम आपके यहाँ लिखते हैं मेडिकल फील्ड में अगर हम बात करें ए नंबर में हम देखें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है AZT, पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, लिखो ये क्या है, AZO AZODOTHYMIDINE, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, आपको पढ़ा AZODOTHYMIDINE ऐसे बोलते हैं इसको, लेकिन स्पेलिंग पे गलत ना लिखो तो, हाँ ये जेड AZODOTHYMIDINE है, AZODOTHYMIDINE या फिर आप तोड़ तोड़ के बोलो AZODOTHYMIDINE जैसे बोलना चाहे, AZODOTHYMIDINE या AZODOTHYMIDINE बोल सकते हैं, यूज्ड फॉर एड्स पेशेंट्स, पूछ लिया जा सकता है, इसको याद रखना बच्चों, ये आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन सी मेडिसिन है जो एड्स के पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। बी नंबर में देखो ये जो सेकंड नंबर की है ये आपके 12th में भी आ चुकी है, ठीक है ना, तो देखिए टैक्सोल को याद नहीं रखना है आपको, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर की है सिसप्लेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्लास 12th में भी आ चुकी है आपकी सिसप्लेटिन, इसका यूज होता है इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसमें ये सिसप्लेटिन जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वन है, कुछ भी नहीं कही है आपके, ठीक है ना, जो बात हम कहें बच्चों वो जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स, जानते हो एंटीपायरेटिक्स क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर,
पैरासीटामोल क्या है? एंटीपायरेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। क्लास 12 केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, पूरा चैप्टर में आप एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रिंकलाइजर, एंटी हिस्टामिन, एंटी फर्टिलिटी, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेड, एंटीबायोटिक, जर्मीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, बीएचटी, ये सब आप लोग क्लास 12 में बहुत डिटेल से पढ़ोगे केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ में। तो एंटीपायरेटिक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। फीवर आना किसकी पहचान है? कि कोई ना कोई आपके अंदर फॉरेन एजेंट चला गया है जो आपके सिस्टम को, आपके बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है, तब आपके अंदर का इम्यून जाग जाता है सेना लड़ने के लिए। तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो ये फीवर का आने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर पैथोजेंस घुस गया, आपका बॉडी वर्क नहीं कर रही, तो आपको फीवर नहीं आएगा, तो वो आपके अंदर अंदर खाता जा रहा है, आपकी बॉडी को कमज़ोर। फीवर आया ही इसलिए है क्योंकि आपके अंदर की सेना एक्टिव हो गई है और वो अब उससे लड़ रही है। जैसे जैसे वो बीमारी घटती जाएगी, आपकी सेना भी शांत होती जाएगी, और शांत और शांत और शांत। इसके लिए टैबलेट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन, और भी बहुत सारी हैं, फेनेसिटिन हो गई आपकी, कई भी सारी हैं, तो यूज होती है आपका। तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक जल्दी जल्दी लिखते हैं। एनाल्जेसिक्स, सर कैसे कैसे नाम लिख पा रहे हैं, एनाल्जेसिक्स को एंटीपायरेटिक, पेन किलर, ध्यान रखिएगा, जो पेन किलर होती हैं दे ऑल आर द एनाल्जेसिक्स। आप जानते हो पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक भी है एंड एनाल्जेसिक भी है, बहुत अच्छी पेन किलर है पैरासीटामोल। लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे, कभी भी पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज मत करिएगा। आपको अगर करना है तो सुबह शाम दो कर सकते हो, लेकिन हर एक घंटे में कई लोग यूज करते हैं कि हमें फीवर ना चढ़े, लीवर को डैमेज करती है पैरासीटामोल, ध्यान रखिएगा। आपके बहुत और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फीवर के, इनिशियली फीवर के ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे अच्छी टैबलेट मानी गई है वो पैरासीटामोल ही मानी गई है। वो बाकी फिर उसके और भी हैं, जैसे फेनेसिटिन, एस्पिरिन भी यूज होती है, लेकिन सबसे अच्छी पैरासीटामोल मानी। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लेना, नहीं तो फिर ये हार्म भी कर सकती है। एनाल्जेसिक्स मतलब होता है सीधे पेन किलर, ठीक है। और देखो जल्दी जल्दी से, ट्रिंकुलाइजर्स, ट्रिंकुलाइजर्स, TRNQUILIZERS, ट्रिंकुलाइजर्स यूज्ड एज अ सेडेटिव्स, यूज्ड एज अ सेडेटिव्स, कॉमा लगाइए, हिप्नोटिक्स, यूज्ड एज अ सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, यूज एज अ सेडेटिव्स, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट। सेडेटिव्स जानते हैं आप लोग?